চলতে দেবেন। আমি আমার কথা বলা শেষ করছি, ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে যাবেন না। আজ দেশ ये सब अगर रोकना है ये বলতে দিলেন, আমাকেও কথা বলবার সুযোগ দিলেন, তার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানি। একে আমরা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বিষয়গুলো আজকে আপনারা দাবি হিসাবে বিরোধ। मेरे ध्यान में रखो, आपने किया है पहले त्रिपुरा में 1983 से 1988 हमको याद है। उस वक्त कांग्रेस के सेमी फैसिस्ट टेरर को आप ही ने, त्रिपुरा की जनता ने हराया है। लेकिन ये प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस, ये भाजपा के गुंडों को हम नहीं आगे जाने देंगे। इस मुताबिक एक जबरदस्त संघर्ष अगले 1.5 साल में आप करोगे। ये अगर करेंगे कुछ एक 50 जगह में होगा, मैं आपको बोलता हूं 1000 जगह में ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ध्यान में रखिए। लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, इनको दो हाथ होना चाहिए इनका सुपड़ा साफ करने का। हमारा ये पूरा प्रतिरोध पूरे त्रिपुरा में फैल जाना चाहिए और आपने इसका नेतृत्व करना चाहिए जो आज यहां आए हैं। इतना ही बोलते हुए आगे का दिन, एक हफ्ते के बाद मजदूरों के ऊपर हमला करने वाले ये लेबर कोड लाए। यानी देखो मोदी सरकार क्या है, जो दो वर्ग हमारे देश की संपत्ति निर्माण करते हैं, किसान और मजदूर, उन्हीं के ऊपर हमला। और हमला कब किया? कोरोना के वक्त। इनको लगा ये कोरोना की वजह से लोग रास्ते पर नहीं आएंगे, लेकिन लोग कोरोना के होते हुए भी रास्ते पर आए और ये बीजेपी के सरकार को हराया। आज आखिरी मुद्दा ले रहा हूं, दो मिनट में खत्म करूंगा। आज मोदी सरकार इस पूरे देश को बेच डालने का काम कर रहा है, पूरे देश को बेच डालने का। रेलवे बेचने का शुरू किया, एयरपोर्ट बेचने का शुरू किया अदानी को, एयरलाइन बेचा, एक ही अपना एयर इंडिया बचा था वो अभी टाटा को बेच दिया, एक ही बाकी था अपना। बैंक कभी निजीकरण करने के पीछे लगे हैं, बीमा धंधा बेचने को लगे हैं, बाकी हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारा टेलीकॉम, ये जियो मोबाइल आप जानते हैं, सब कुछ बेचने को ये मोदी सरकार तैयार हुआ है। और इसलिए इसको आज लोगों तक नहीं आए, इसलिए धर्म का इस्तेमाल करना, जाति का इस्तेमाल करना, दंगे फसाद करवाना, ये सब जो बातें हो रही है सांप्रदायिकता का, ये भाजपा का एक ही वो एजेंडा है, दूसरा कोई नहीं है। इस एजेंडा को भी हमको हराना होगा, देश को बेचने से बचाना होगा। और वो हम लोग सब अगर मिलकर आए तो ये काम हम जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। और इसलिए मैं आप सभी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, आप इतने हजारों की तादाद में आज यहां अगरतला में आए, आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं।